कलयुगी पत्नी ने आसिक के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज, मैं हूं धीरज मिश्रा। सोनभद्र जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के बैनी गांव में 29 मार्च होली वाले दिन देर रात राजू चेरो पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ चेरो की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। स्वाट टीम, एसओजी व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से जांच के बाद खुलासा कर दिया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं आज पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने हत्या का सफल खुलासा कर दिया। वहीं हत्या में शामिल हथियार, कुल्हाड़ी, मोटरसाइकिल व दो मोबाइल के साथ मृतक के पत्नी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 29 मार्च होली के दिन देर रात पुलिस को सूचना मिली कि राजू चेरो पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ की किसी अज्ञात हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने तहरीर के आधार पर पुलिस से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको मद्देनजर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने हत्या का जल्द ही खुलासा करने की बात कही थी और खुद मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात की थी। हत्या का खुलासा जल्द करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें एसपी नक्सल राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में सीओ रावर्सगंज को जांच सौंपी गई थी। वहीं तहरीर के आधार पर जब मृतक के पत्नी संगीता को गिरफ्तार किया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपने प्रेमी बाबूलाल यादव निवासी बिहार के साथ हत्या करने की बात स्वीकार कर ली और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व दो मोबाइल के इस्तेमाल की बात की जानकारी दी और उसी के निशानदेही पर सभी चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। इस तरह पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति, जिससे वो कई वर्षों से दूर रहती थी, हत्या को अंजाम दिया था। 28 की रात्रि को बैनी, जो थाना रायपुर में पड़ता है, उसमें घर के अंदर सो रहे एक राजू चेरो नामक युवक की हत्या हो गई थी और उस पर बांके से बार करके उसकी हत्या की गई थी। और इसकी विवेचना अभियोग पंजीकृत करने के बाद शुरू हुई। इसमें इसकी माँ धनेश्वरी देवी ने FIR लिखाई थी अज्ञात में, और इसके अनावरण के लिए एडिशनल SP ऑपरेशन, CO सदर और थानाध्यक्ष रायपुर और स्वाट सर्विलांस, सारी टीमें लगी थी। अब कल इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी संगीता जीरानी और उसका प्रेमी बाबूलाल यादव, जो भभुआ बिहार का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त आला कतल, जो टेंगाड़ी है, उसको बरामद कर लिया गया है और घटना के दौरान प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है पहले का और नक्सली संगठन से भी जुड़े नहीं हैं। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और ये महिला 2 साल पहले उसके संपर्क में आई थी। वो भी विवाहित है, लेकिन उनका भी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। पत्नी दूर रहती है, जो इसमें बाबूलाल यादव है, और इसका भी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं था। तो पिछले 2 साल से ये लोग एक साथ रह रहे थे और इसके भी 2 बच्चे हैं। तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इसने सोचा कि अगर राजू जिंदा रहेगा तो अपनी संपत्ति इधर उधर कर लेगा या फिर विवाह कर सकता है। तो ये दिमाग में चलती रहती थी कि कैसे जो इनकी पैतृक संपत्ति हो इनके पास रहे। तो इसमें दोनों ने राय करके और साझ करके इस घटना को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर किया था? हाँ जी, दोनों ने।